नमस्कार दोस्तों, मैं धनाजी इंटरप्राइज में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों आज हमारा वीडियो बहुत ही खास होने वाला है, क्योंकि आज हम आर्मेचर किन किन कारणों के वजह से जाता है और क्यों आर्मेचर बदलना चाहिए, इसके बारे में पूरा इन्फॉर्मेशन देने वाले हैं। तो आप हमारे वीडियो के साथ लगातार बने रहे। दोस्तों आप देख सकते हो इस तरह से हमारे पास बहुत सारे आर्मेचर है। आर्मेचर किन किन वजह से किन किन कारणों की वजह से जाता है, हम इसके बारे में आज देखने वाले हैं। सबसे पहले इस आर्मेचर को हम देखेंगे। आर्मेचर 27 mm का है दोस्तों, छोटा वाला आर्मेचर है, केनस्टार का नहीं है। केनस्टार का ही 27 mm का आर्मेचर रहता है, 35 mm का रहता है, लेकिन ये लोकल वाला है, छोटा है। केनस्टार का साइज इसका बड़ा रहता है, ठीक है। इसको हमने किन कारण के वजह से बदला है, आप देख सकते हो यहाँ पे आर्मेचर का कम्यूटेटर पूरी तरह से, आप देख सकते हो पूरी तरह से इधर से सफ़ेद पड़ चुका है। इसका मतलब ये शॉर्ट है, ठीक है। इसका कम्यूटेटर आप ठीक से देखें, नीचे वाला कम्यूटेटर का हिस्सा जैसा था वैसा है, लेकिन हमारा कार्बन इसका ऊपर लगा है, आधे से ज़्यादा ऊपर क्यों लगा है, इसकी वजह से ऊपर वाला हिस्सा ज़्यादा घिस चुका है और ये स्पार्क बहुत ज़्यादा करता था। इसका वीडियो भी हमने डाला है हमारे चैनल पे, आप जाके देख सकते हो। और ये शॉर्ट भी एकदम ऊपर से अंगारी फेंक रहा था, इसलिए हमने इसको बदला है, ठीक है। इस कारण के वजह से भी आर्मेचर हम चेंज कर सकते हैं, पहला कारण इसका ये हुआ। अब हम दूसरा देखेंगे आर्मेचर, ये फुल साइज का आर्मेचर है। फुल साइज का मतलब रेगुलर चलने वाला। ये 48 mm का है दोस्तों, 48 mm का है। इसको हमने क्यों बदला है, आप देख सकते हो इसका कम्यूटेटर बीच का हिस्सा बहुत ज़्यादा घिस चुका है, आप देख सकते हो बहुत ज़्यादा घिस चुका है बीच का हिस्सा। इसकी वजह से ये लोड नहीं ले रही थी मिक्सी, ठीक है। चल तो रहा था, स्पार्क भी थोड़ा सा कर रहा था, लेकिन ये मिक्सी बिल्कुल भी तेज स्पीड से नहीं चल रही थी, ठीक है, एकदम स्लो चल रही थी। इसकी वजह से मसाला हमारा पीस नहीं रहा था ठीक से, इस कारण की वजह से हमने इसको बदला है। दोस्तों आर्मेचर शॉर्ट होने के या आर्मेचर बदलने के बहुत सारे कारण रहते हैं। दोस्तों इसका भी वही प्रॉब्लम था, आप ठीक से देख सकते हो, इसका भी कम्यूटेटर थोड़ा सा घिस चुका है, बहुत ज़्यादा नहीं, लेकिन ये भी मिक्सी बहुत ज़्यादा लोड नहीं ले रहा था, ठीक है। अब आप हमें आपको ये दिखाता हूँ, आप देख सकते हो इसका जो आर्मेचर का जो ये लाइन है, ठीक है, ये पूरी तरह से क्रैक जा चुका है, आप ठीक से देख सकते हो। पूरा हमारा एक लाइन में नहीं खिसक चुका है, एक ही साइड से, नीचे वाले साइड से। इसका मतलब ये फील्ड कॉइल के अंदर घिस रहा था बहुत ज़्यादा, और मिक्सी बहुत ज़्यादा आवाज़ कर रहा था, और यहाँ से ये सभी टूट चुका है, आप देख सकते हो। हाँ, इधर बहुत ज़्यादा खराब हो चुका है, इधर आप देख सकते हो। इस तरह से आर्मेचर बदलने के बहुत सारे कारण होते हैं दोस्तों, आप ये भी देख सकते हो। ये तो एकदम नया वाला दिख रहा है, लेकिन इसका तो बहुत ही बुरा हाल है, आप देख सकते हो। पूरा वाइंडिंग के अंदर इसका जो बाहर का स्टार्टर है वह पूरा वाइंडिंग के अंदर घुस जा चुका है, आप देख सकते हो। किसी ने शायद इसको ठीक से नहीं बैठाया था, इस कारण की वजह से वो टूट जा चुका है, ठीक है। उसके बाद आप ये देख सकते हो दोस्तों, इसका कम्यूटेटर ही चला गया है, इसका तो आर्मेचर बदलना ही पड़ेगा, इसका सवाल ही नहीं उठता है। इस तरह से आर्मेचर जाने के बहुत सारे कारण रहते हैं दोस्तों, और हमने कभी भी आज तक एल्यूमिनियम का आर्मेचर नहीं बैठा है, हमेशा हम कॉपर का आर्मेचर बैठे थे। इसका भी कम्यूटेटर जाने की वजह से हमको आर्मेचर बदलना पड़ा, आप देख सकते हो। इस तरह से बहुत सारे कारण रहते हैं दोस्तों आर्मेचर बदलने के। आप इसको तो देख सकते हो, इसका तो बहुत ही बुरा हाल है, देख सकते हो दोस्तों। इसका कम्यूटेटर पूरी तरीके से लगभग 2-3 सेंटीमीटर अंदर घुस चुका है, और यहाँ पे आप भी देख सकते हो, यहाँ पर हमारा आर्मेचर शॉर्ट हो चुका है, यहाँ पे आप देख सकते हो। इसके बाद में आप इसको भी देख सकते हो, यहाँ पे हमारा आर्मेचर शॉर्ट हो चुका है, देख सकते हो। इस तरह के आर्मेचर जाने के, शॉर्ट होने के बहुत सारे कारण रहते हैं। हमने इस तरह के बहुत सारे आर्मेचर बदले हैं, और आर्मेचर बदलने के बहुत सारे कारण रहते हैं दोस्तों, ठीक है। आशा करता हूँ आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा होगा। धन्यवाद।